देखो मम्मी प्यार प्यार फेवरेट्स क्या चाल है, सब ठीक ठाक? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह तआला की परेशानियाँ दूर करे, खुश रखे आपको। तो आज मैं अपनी वीडियो में दाल कद्दू लेके आई हूँ, दाल लौकी कह लें, दाल कद्दू कह लें, बहुत मज़े का ये बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे इंग्रीडियंट्स क्या है मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने छोटा टमाटर ले लिया, इसको मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। ये आधी चाय की चम्मच गर्म मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच सूखा धनिया, सूख मिर्च आधी चाय से कम है। ये मैंने इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल ज़्यादा किया, वो मुझे पसंद है। तो हद से ज़्यादा नमक, एक तरह मैंने साइज की प्याज ली, एक बड़ा कद्दू, और ये मैंने दाल ली है, और लहसुन अदरक मिर्चों का पेस्ट एक चम्मच। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़े का बनता है। पहले मैं इसका मसाला भूनूंगी, फिर दाल कद्दू डाल कर पेड़ लगा दूंगी, और बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पहले उसका कहते हैं दाल और कद्दू को उबाल लेते हैं, मसाला भून के उसको मिक्स कर लेते हैं। तो सेम बात होगी, इस समय बहुत मज़े का बनता है। चले हम स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया हुआ है, आधा कप ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर बनाई के बाद टमाटर, फिर अपने मसाले, तो फिर दाल का दाल को वेट लगा देंगे। मसाला हमारा किरार हो गया, गोल्डन कलर आ गया। अब इसमें लहसुन के मिर्चों का पेस्ट डाल दूँगी, मैंने जीरा डाल के आधी चाय की चम्मच इसको मैंने पीस लिया था, इसके जीरे से बहुत अच्छा इसका पेस्ट आता है। एक से डेढ़ मिनट फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर ऐड करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है, इसकी जो कच्ची और लहसुन की जो स्मेल आई थी ख़त्म हो गई है। अब हम इसके लिए टमाटर ऐड करेंगे, अब मैं इसके साथ अपने मसाले सारे नमक मिर्च सूखा धनिया का कुछ ऐड कर देती हूँ, जिसकी मिला रखने में रहना। अब हम इन मसालों को अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब अच्छे से हमारा मसाला भून जाएगा तो फिर हम दाल और लौकी अपने डाल के पानी डाल के तीन से चार ग्लास डाल के सात से आठ मिनट तक वेट लगा रहे हैं, ताकि अच्छे से हमारी दाल गल जाए। अब मैं इसे दो मिनट अच्छे से इसको हिला लूँ, फिर उसको हिला के मैं पानी ऐड करती हूँ, पानी डाल दिया। अब मैं वेट लगाऊंगी, कम से कम इतना वेट लगा दाल और कद्दू हमारा गल जाए, कम से कम सात से आठ मिनट वेट लगाएंगे। जब हमारी दाल मुकम्मल गल जाएगी, पक जाएगी, फिर हम इसके अंदर पीसा गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे ऊपर डालेंगे, और ऊपर हरा धनिया। बहुत मज़े की बनती है, इसके साथ चावल बने उबले हुए हो, आप इंजॉय करेंगे, जरूर बनाएंगे। अब मैं इसको वेट लगाती हूँ। देखिए मेरी प्यारे बहुत अच्छे से हमारी दाल बन गई, दाल कद्दू। तो जो कद्दू है वो हमारा थोड़ा सा सिमरे ना, उसको मोटा ही रखा है, तो हम ऐसे ही लाइक करते हैं। आप चाहे तो इसको बिल्कुल वो जो ग्राइंड होता है ग्राइंड से या मदानी से, आप उसको अच्छे से पीस लें। अब मैं इसके अंदर पीसा गरम मसाला हंस पर ज़रूरत और ब्लैक पेपर थोड़ी सी डालते इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम बहुत ही मज़े की दाल बनी, इसे सब चावल बनाए, इंजॉय करें आप दाल कद्दू के साथ, बहुत मज़ा आएगा। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए आप कितनी मज़े की लग रही है दाल, जब आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इसके साथ चावल पाल के या तड़के वाले चावल बना के खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा दुनिया का, ठीक है? तो खुश रहें, आप बाहर रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह ताला का हमें नासिर, और आप
अल्लाह ताला आप सबकी विशेज को पूरा करें। तो आप मज़े मज़े के खाने बनाएं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, खूब अल्लाह को अल्लाह करें, नमाज की पाबंदी रखें, नमाज ज़रूर पढ़ें, पाने की नमाज पढ़ें आप तो, और अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।